रहे हैं, जैसे सांड घूम रहे हैं रोड पे, तैसे बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, जैसे एमपी पुलिस की अभी भर्ती निकली है तो? अरे एमपी पुलिस की 17 साल में क्या बात निकाल दी आप, ये बात करो, ये तो चुनाव आ गए। अच्छा अभी आपका मानना है कि चुनाव की वजह से निकाल? हाँ सब ये चुनाव की वजह से। वोट महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं? अरे महिलाओं को दे रहे हैं, बाकी बेरोजगारी तो चांद पे बैठ गई है, उसका क्या किया जाए? कोई 1,000 रुपए देने से कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं खत्म हो जाएगा। जो बेरोजगारी है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं बेरोजगार हैं तभी बैठे हैं, है और कई सारी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इनका निदान नहीं है। और ऊपर की बात नहीं करेंगे हम, तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बदलाव निश्चित है। अच्छा भिंड में बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। क्या उम्मीद लग रही है इस चुनाव में? इस चुनाव में बीजेपी बीजेपी यहाँ के जनता का परेशान है। जनता ये सब व्यक्तिगत राजनीति है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या हाल है एमपी के तहत, हम लोग विंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या है एमपी के हाल, सभी बातें पूछेंगे। तो नमस्ते भैया जी। जी भैया बोलिए। क्या नाम है आपका? अमिताभ सिंह भदौरिया। अच्छा तो ये बताइए भैया कि चुनाव आ रहा है, किसका माहौल लग रहा है? दिल्ली का नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ काम, और अब की बार है नोटा का काम पूरा। अच्छा नोटा? अच्छा नोटा दबाएंगे? जी हाँ। अच्छा किसी ने काम नहीं किया? किसी ने नहीं किया। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक सिंह भदौरिया। तो ये बताइएगा भैया, चुनाव तो आ रहा है जी। और भैया कह रहे हैं काम नहीं हुआ, ये सही बात है? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल काम नहीं हुआ। नहीं यहाँ पे क्या है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो भिंड में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, यहाँ गलियों में पूरा पानी भरा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा निकल नहीं पा। और लाइट तो आए दिन चली जाती है ऐसी गर्मी में, इसलिए जनता यहाँ परेशान है। वर्तमान जो यहाँ के विधायक है वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। विधायक काम नहीं कर रहे? नहीं विधायक काम नहीं कर पा रहे, विधायक पार्षद जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे। इस चुनाव में क्या देखना चाहेंगे? अब यहाँ पे जो लोकल के जो नेता हैं विधायक हैं, उनको जनता चेंज करने के मूड में है। बदलाव? बदलाव जो बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। अच्छा मुख्य मुद्दे हैं यहाँ, तो बदलाव देखना चाहते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा तो नहीं केवल विंड में बदलाव देखना चाहते हैं, एमपी में नहीं? नहीं एमपी में, अब यहाँ पे हम घर से निकल नहीं पा रहे, जैसे अच्छा। पानी भरा है ठीक है, लाइट आ नहीं रही, तो एमपी की अपन सोच नहीं पा रहे ना। या लोकल मुद्दे इतने हावी हैं कि अपन ऊपर का सोच ही नहीं पा रहे। तो क्या लग रहा है एमपी में परिवर्तन होगा या ये मामा जी की सरकार ठीक है? हमने आपको बता तो दिया, यहाँ लोकल मुद्दे ज़्यादा अभी हैं। नहीं चर्चाएं वगैरह होती होंगी, न्यूज वगैरह देखते होंगे? हाँ सुनने में तो आ रहा है कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस? हाँ लेकिन यहाँ का जो मतदान होगा वो लोकल मुद्दों पर होगा। अच्छा लोकल मुद्दे? लोकल मुद्दों। क्या नाम है भैया? विकास चौहान। अच्छा तो भैया क्या लग रहा है इस चुनाव में? भैया बदलाव तो होगा क्योंकि हम परेशान है बिल्कुल, हमारे वार्ड में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की बिजली की समस्या इतनी है कि आए दिन बिजली चली जाती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं चल रही है, बहाल कहो तो 10 मिनट में लाइट चली है, घंटों तक नहीं आएगी। कई बार हम लोगों ने संघर्ष किया, बात भी की, लेकिन कहीं कोई उपाय नहीं है उसका, कोई भी समझ मतलब आवाज उठाइए तो कोई नहीं, नहीं उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप जाइए पीछे देखिए, गलियों में कई जगह पानी भरा हुआ है, रोड टूट चुकी है ना, तो इस वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा है। तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो संभव है, समस्या बिल्कुल परिवर्तन होगा तो ये जो समस्याएं हैं वो क्या खत्म होंगी? देखो हम लोग एक आशा कर सकते हैं कि परिवर्तन से हमें शायद कुछ बदलाव मिले। अच्छा तो हम लोग केवल एक उम्मीद ही तो कर सकते हैं, ये थोड़ी कह सकते हैं कि सामने वाला आएगा वो करेगा, लेकिन हम लोग एक उम्मीद में है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन है तभी विकास होगा मेरी समझ से। ये तो बात ठीक है कि परिवर्तन होगा तो सरकार पर प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बदलाव के मूड में? बिल्कुल बदलाव के मूड में। अच्छा जी बिल्कुल। मामा जी 1,000 रुपए दे रहे हैं लेडीज लोग, अपनी बहनों को 1,000 रुपए देने से कोई बेरोजगार? भैया 1,000 रुपए देने से कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं खत्म हो जाएगा। जो बेरोजगारी है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं बेरोजगार हैं तभी बैठे हैं, हैं और कई सारी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इनका निदान नहीं है। और ऊपर की बात नहीं करेंगे हम, तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बदलाव निश्चित है। अच्छा विंड में बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। कौन सी पार्टी देख सकते हैं विंड में? नहीं पार्टी को लेकिन देखो हमारे यहाँ क्या है, लोकल चुनाव जो होता है व्यक्तिगत चेहरे पे होता है, पार्टी का तो नहीं करेंगे कौन सा चेहरा किसको टिकट दे रहा है, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है कि टिकट अभी से फिक्स हो कि इसको टिकट मिल रहा है, तो उस समय ही पता चलेगा कौन है। यहाँ के जो विधायक थे वो जीते और फिर भाजपा में चले गए। हाँ वो उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाया, उन्होंने सही काम नहीं कर पाया, कोरोना का भी काल था खैर, लेकिन ये सड़क बेसिक समस्याएं जो है समाधान नहीं कर पाए, वो गलियों की जो पानी जल भराव की जैसा कि मैंने बताया, बिजली की तो इतनी बुरी समस्या है कि जनता रात को 12 बजे सड़क पे आ जाती है।
ये रोड पर आ जाती है बिल्कुल। ये आप यहाँ पे जानकारी कर लो, हर 10-15 दिन में जनता को सड़क पे आना पड़ता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ इटावा रोड पे बहुत सारी लाइट की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है इस रोड आए दिन। बिल्कुल इटावा रोड बहुत ज्यादा समस्या बिल्कुल लाइट की समस्या बदलाव देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह यादव कल्लू को। मैं तो ये बताइएगा कि क्या लग रहा है इस चुनाव में? चुनाव में बदलाव होगा। बदलाव होगा? अच्छा ये बताइए क्या हाल है एमपी के? एमपी कंडीशन सबसे खराब है आज। गड़बड़ चल रही है? हाँ गड़बड़ चल रही है। हाँ अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोग क्या यहाँ पे जातिगत चुनाव होता है? बिल्कुल होता है जातिगत, हमारे यहाँ जातिगत भी हम कह सकते हैं जातिगत, क्योंकि अभी हमारे यहाँ फिलहाल जो पार्षदी का हुआ था वो जातिगत ही देखने को मिला। अच्छा। है ना, तो जातिगत चुनाव होता है? 100% 100% जातिवाद के ऊपर क्या यूपी की लहर आती है? यहाँ चंबल संभाग में पूरे में जातिगत ही होता है और यूपी की लहर आ जाती थोड़ी है। हाँ यूपी में जातिगत होता था, मान लें कि चंबल की पानी की लहर थोड़ी आ जाती है। सत्यवाद। अच्छा। और सबसे मतलब आज की तारीख में स्थिति खराब है पूरे बिल्डिंग की। लाइट की बहुत गंभीर समस्या है। मतलब आदमी जैसे गांव में जो रह रहा है वो कुछ हद में ठीक भी रह रहा है, सिटी में लाइट की बहुत गंभीर समस्या है। अच्छा। हाँ सिटी में। हाँ देहात का सही है? देहात में कुल मिला के फिर भी ठीक है, सिटी की कंडीशन बहुत खराब है। आपका क्या नाम है भैया? हीरू तोमर। तो भैया आप बताइएगा क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में स्थानीय विधायक ने काफ़ी काम कराए हैं, काफ़ी काम कराए हैं स्थानीय विधायक ने। अभी जो है विधायक जो पहले से काम नहीं हुए थे वो सारे काम कराए हैं। रोड हैं, लाइटें हैं, अभी चल रही है बराबर, आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के लिए काटी जाती है। अब स्थायी रूप से जैसे किसी के अब काम चल रहा है तो उसमें कटौती भी होती है, उसके बाद फिर लाइट सही होकर चलती है, ऐसा नहीं है। और रोडें बराबर सबकी कंप्लीट है, कुछ शहरी रोडें नहीं बन पाई हैं, उनको काम चालू है, सारी बनने चालू है और जल्द बन के तैयार भी हो जाए। क्या उम्मीद लग रही है इस चुनाव में? इस चुनाव में बीजेपी बीजेपी यहाँ के जनता का परेशान है। जनता ये सब व्यक्तिगत राजनीति हैं, यहाँ कोई जनता वैसा नहीं है जो व्यक्तिगत संबंध वाली लोग वाग हैं, यहाँ स्थानीय चुनाव के हिसाब से। भैया ने कहा है कि जातिगत चुनाव होता है, ऐसा कुछ है? हाँ 70% जातिगत चुनाव होता है। हाँ पांचों विधानसभा में ऐसा होता है। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे भिंड विधानसभा का माना जाए तो प्रत्याशी का चेहरा देखकर वोट दिया जाता है, चेहरा और उसकी लोकप्रियता या लोकप्रियता चेहरा दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा तो आप बदलाव देखना नहीं चाह रहे? नहीं हम बदलाव नहीं देखना। सरकार ठीक है? सरकार ठीक। लोग ऐसा भी तो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा कर दी। अब महंगाई के हिसाब से सब आमदनी भी बढ़ी है। लोग ये कह रहे हैं कि मामा जी ने महिलाओं को 1,000 रुपये दे दिए, सिलेंडर के रेट 1,200 कर दिए, 200 पुजाने और पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से तो फिर अभी 3,000 महिलाओं की और रेट और बढ़ रही है, जो महिला लाडली बहना योजना धीमे धीमे करके और बढ़ेंगे। अच्छा बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे। 3,000 महिलाएँ खुश हैं, बहनें खुश हैं सारी। अच्छा से बहनें खुश हैं। लोग ये कहते हैं कि बहनों के लिए तो कर दिया, पर युवा और क्या नाम है जो बहनों के जो पतिदेव हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। करने वाले हैं वो सब कर रहे हैं, बात देने वाले बात दे रहे हैं बैठे बैठे। मतलब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ओके मजौरी। तो भैया चुनाव आ रहा है और क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? एमपी के हाल क्या है, हाल बताइए? अब की बार कांग्रेस सरकार आई 100%। एमपी के हाल ठीक नहीं है? नहीं है बिल्कुल नहीं। मामा तो बस फर्जी घोषणा पे घोषणा है, चाहते घोषणा करा लो बोले तो हाल बोल देंगे, जे कर दें वो कर दें, करते कुछ है नहीं अभी तक। अच्छा मामा ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सिवाय घोषणा हाल कर देते, ये कर देंगे ये कर देंगे, झूठी बोलते बहुत। बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल देखना चाहते, पहले ही बदलाव किया था, वो तो सरकार चेंज हो गई। अंकल जी बता दीजिए चाय पीते पीते क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में लग क्या रहा है, चुनाव 50-50 जाएगा, गड्ढ है चुनाव तुम्हारा एमपी का किसी। हाँ और मामा तो किसी प्रकार आना ही नहीं है अब की बार। मामा नहीं आएंगे? नहीं आना। अच्छा हाँ तो एमपी के हाल क्या है? हाल क्या वही है जो पहले थे वही आज हाल है। अच्छा। क्या हाल को क्या हुआ है वही हाल है। हाल गड़बड़ तो नहीं है या ठीक है? गड़बड़ क्या है, कोई वो तो हो नहीं रही है, क्या नाम लड़ाई झगड़े है नहीं, लेकिन चुनाव पीरियड में जैसे ही कुछ आएगा तो फिर होगा कुछ। अच्छा। हाँ वो तो स्थानीय देखो जो रहता है विधायक विधायक ये तो बने गए जो पार्टी का या जातिवाद से या जैसे भी बने, समझ रहे? लेकिन बाकी एमपी में तो बुरा हाल है। मामा तो 100% जाएगा और जाना भी चाहिए। अच्छा। हाँ जाना भी चाहिए। जाना क्यों चाहिए? क्यों क्या है क्या मामा क्या 15 साल हो गई बताओ क्या किया बताओ।
15 सालों में कुछ नहीं किया। क्या किया, क्या किया बताओ, हमें लिखवाओ, नोट करवाओ। वो महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं। अरे महिलाओं को दे रहे हैं, बाकी बेरोजगारी तो चांद पे बैठ गई है, उसका क्या किया जाए? कोई योजना निकाली है सीखो और वो चाहे कोई भी योजना निकाल लें, लेकिन योजनाओं का लाभ कहाँ व्यक्तिगत पहुँच पा रहा है? लाभ नहीं कहाँ पहुँच पा रहा है बताओ, आप कहाँ पहुँच पा रहा है बताए आप। वो लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहेंगे, क्योंकि पार्टी है भाई, उससे जुड़े हुए हैं वो तो कहेंगे ही। अच्छा, आम जनता, आम जनता तक पहुंचा नहीं। जो जनता परेशान है उनसे आप करो सवाल, वो बताएगी क्या हकीकत। मंत्री नेता क्या बताएंगे, क्या बताएंगे मंत्री नेता? आप तो आम जनता, आप तो आम जनता। हाँ तो बता रहे हैं हम आपको, मामा जी 100% जाएंगे और जाना भी चाहिए। कौन आएंगे फिर? कांग्रेस आएगी या दूसरी अन्य पार्टियां वो करके आएंगी? एक सवाल और है, मुझे पूछना नहीं चाहिए पर मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आम जनता है इसलिए। यदि पूछना नहीं चाहिए तो आप कतई नहीं पूछिए, मैं गलत जवाब भी दे सकता हूँ फिर। नहीं, ये बताइएगा कि भैया चुनाव में किसका माहौल देखने को लगा? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस बिल्कुल। कांग्रेस क्यों? हाँ बिल्कुल, हम मैं कांग्रेस का क्यों, मैं तो आम आदमी हूँ। अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस को क्यों देखना चाहते हैं? कांग्रेस को देखना चाहते हैं, उनको 17 साल देख लिया है, अब दूसरे को भी देखें। अच्छा, मतलब ऐसा है कि 18 साल हो गए हैं तो लोग, जनता बोर हो गई है? जनता बोर नहीं हो गई है, इनके कारनामों से बोर हो गई, इनने कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, काम नहीं किया, ये तो घोषणा वीर है। अच्छा, घोषणा वीर है। हाँ, ये तो घोषणा वीर है मामा जी। अच्छा, ये तो घोषणा करते हैं बस, जमीनी स्तर पे देखिए आप। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, अब चुनाव आ गया तो लाडली बहन योजना दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, कहीं कुछ है क्या? जैसे एमपी पुलिस रहे, जैसे सांड घूम रहे हैं रोड पे, तैसे बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए जैसे एमपी पुलिस की अभी भर्ती निकली है तो? अरे एमपी पुलिस की 17 साल में क्या बात निकाल दी आप, ये बात करो, ये तो चुनाव आ गए। अच्छा, अभी आपका मानना है कि चुनाव की वजह से निकाल? हाँ सब, ये चुनाव की वजह से, वोट पाने के चक्कर में। बस बस, वोट पाने के चक्कर, युवाओं को लुभाने के चक्कर। बस बस बस, जो वोट दिया था जनता ने, कांग्रेस की सरकार बनाई उन्होंने छीनी है, उसका भी आक्रोश है जनता में। अच्छा, जनता ने अपना मत दे के सरकार बनाई है, उसको इन्होंने छीन के बनाई है द्वारा। अच्छा, तो जनता फिर वोट देगी? क्यों देगी, अब तो ढंग से हराएगी। तो मतलब जनता रुष्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुष्ट है। बदलाव देखना चाहिए, बदलाव होगा 100-100%। कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या ठीक ठाक हो जाएगी? अरे वो भी ठीक ठाक नहीं करेंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा, उनको भी हटा दिया। उनका क्या सर्टिफिकेट है क्या जनता के पास, प्रमाणीकरण तोरू है क्या? वो एक उम्मीद लगा कर बैठे। हाँ उम्मीद ही है। अच्छा, उम्मीद है, उम्मीद है, वो भी नहीं करेंगे, तीसरे को देखेंगे, वो भी नहीं करेगा उसको देखेंगे। अच्छा, हाँ मामा नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि भांजे उनके जितने फिर रहे हैं, जैसे सांड फिर रहे हैं रोड पर, तैसे भांजे फिर रहे हैं। मतलब भांजियों के लिए कुछ नहीं किया? आपको नहीं दिख रहा है कुछ किया है क्या नहीं किया है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं ही कह रहा हूँ कुछ नहीं किया है, आप आम जनता से पूछो, वो बताएगा अपना दर्द। 1100 रुपए का सिलेंडर भरा रहा है, उससे पूछो जाकर क्या कष्ट है, 120 रुपए पेट्रोल ले रहा है, उससे पूछो ना क्या कष्ट है। तो बहुत ज्यादा यहाँ की जनता दुखी है? यहाँ की जनता नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता दुखी है। आप सर्वे कराओ, आप जो चैनल आपका है सर्वे कराओ, आप खुद समझ जाओगे किसकी सरकार बन रही है। तो भिंड में आप कांग्रेस बता रहे हैं? भिंड में नहीं, मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में पुनः भैया एक बात और बताइए, भिंड का चुनाव यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी का चेहरा देख, यहाँ तो जाति का जातिवाद पे चुनाव है। अच्छा, जातिवाद पे चुनाव है। अच्छा, हाँ ऐसा तो नहीं है जैसे यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति? अरे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं है यहाँ, जातिवाद पे चुनाव, यहाँ चेहरे पे डिपेंड करेगा चुनाव। अच्छा, चेहरे पे, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ के चेहरे पर वोट दिया, चेहरे पे वोट दिया जाएगा, वो चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, चेहरा सही होगा वो जीतेगा, प्रत्याशी अच्छा आ जाएगा, मतलब वही जीतेगा, वही जीतेगा। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ का मानना यही है कि लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना ये था कि बीजेपी ठीक कर रही है, और लोग कह रहे हैं धीरे धीरे बदलाव होगा। और यहाँ की जो जनता ज़्यादातर थी, उन्होंने, आम जनता ने यही कहा है कि कांग्रेस को देखना चाहते हैं। धन्यवाद।